दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है न्यू लाइफ टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों 2019 में मोदी सरकार ने सभी पेंशन वालों के लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ा ऐलान किया है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे भी किसी को पेंशन मिलती है तब उनके लिए बड़ी खबर खुशखबरी। अब सरकार ने चुनाव से पहले ये कहा है कि सभी को पेंशन हर महीने 3,000 रुपये मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे किसी को भी पेंशन मिलती है तब उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह अभी अभी बहुत बड़ा ऐलान किया है कि सभी को 3,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगी और कैसे बना है इस वीडियो में इसकी फुल डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड तक, और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको आप क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा नन्ना सा जो बेल का आइकन आपको दिखे घंटे के निशान, इसे भी आप टच कर दें ताकि आप ऐसे ही नई नई वीडियो देख सको सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो को आप लिखा देख रहे हो 300 रुपए की पेंशन के लिए 15 फरवरी से कर सकेंगे अप्लाई, यानी नियम और शर्ते। तो जो 15 फरवरी है उससे आप अप्लाई कर सकते हो, जो 15 फरवरी से यह नए नियम और नई स्कीम मोदी सरकार ने निकाल दी है, तो आप फटाक से अप्लाई कीजिए, भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री श्री योगी मानधन योजना 5 फरवरी 2019 से लागू होगी। तो ये स्कीम है वो लागू हो चुकी है, तब आप फटाक से अप्लाई कीजिए। इस योजना के तहत क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये है जो पेंशन, वो 3,000 रुपये दी जाएगी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री योगी मानधन योजना की शर्तें जारी कर दी हैं। यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी। तो यह योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश बजट की थी। तो यह है ये घोषणा की थी सरकार ने, ये कह दिया है कि 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपकी एज कम है तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। इस योजना कमी की इनकम 15,000 रुपये से नहीं कम होनी नहीं चाहिए। पात्र व्यक्ति का बैंक अकाउंट आधार नंबर होना चाहिए। तो आधार नंबर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कितना करना होगा अंशदान। योजना के साथ 18 की आयु में जुड़ने वाली कामगार को 55 रुपये मानसिक राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र से योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मानसिक अंशदान भी बढ़ता चल जाएगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाली कामगार को 100 रुपये मानसिक अंशदान करना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु में व्यक्ति को योजना आनंद पर 200 रुपये प्रति माह का आनंद करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर अंश करना होगा। तो इस योजना के तहत अब आपको 3,000 रुपये मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है विकलांग होने पर क्या होगा, तो जो विकलांग लोग हैं उनको होने पर क्या होगा। योजना के लाभदायक को रूप में अपमानित होने की स्थिति में भी उनके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा वहन हो सकती है। अधिकतम सूची कहा गया है पेंशन शुरू होने के बाद लाभदायक की मृत्यु होने की उनकी पति अथवा पति पेंशन हकदार होंगे और उन्हें पेंशन राशि 50% भुगतान किया जाएगा। तो जो है मोदी सरकार ने यह 15 फरवरी को स्कीम लॉन्च की थी, आप अप्लाई कीजिए। अगर आपके किसी को भी पेंशन मिलती है तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अपना कीमती समय दिया।